महंगाई के दौर में जो है वो 150 रुपीज तो खैर बहुत मुश्किल है। एक वक्त तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक हमारी रहेगी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम लवली पीपल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। लेट्स गेट दिस व्लॉग स्टार्टेड। तो फिलहाल अनदर व्लॉग में तो नहीं, चैलेंज में, बिकॉज आज के इस वीडियो में हम जो है वो न्यू चैलेंज वगैरह जो है यूज करने लगे और हम आज से जो है वो स्टार्ट करने लगे। वैसे व्लॉग्स वगैरह भी आते रहेंगे लेकिन इंग्लिश में ये भी आएंगे, तो आज हम स्टार्ट करने लगेंगे जी 24 आवर्स फूड चैलेंज। वैसे मैंने जो नोट किया है वो है कि इंडिया के बजाय पाकिस्तान में बहुत कम ऐसे यूट्यूबर्स हैं एक दो के अलावा जिन्होंने 24 आवर्स फूड चैलेंजेस किए हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही स्टार्ट करूँ। तो इस तरह से आज से हम जो है वो न्यू जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फिलहाल आज के चैलेंज के ऊपर अगर हम जाएँ तो आज हम करने जा रहे हैं कि लिविंग ऑन 150 रुपीज़ फॉर 24 आवर्स, यानी हमें 24 घंटे सिर्फ जो है वो 150 रुपये के ऊपर है वो गुजारने हैं। और इट्स अ रियली टफ चैलेंज बिकॉज इस महंगाई के दौर में, महंगाई के दौर में जो है वो 150 रुपीज़ तो खैर बहुत मुश्किल है। एक वक्त का खाना ही 150 में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज जो है वो हम ट्राई करने जा रहे हैं कि हम 150 पर रह सकते हैं। एक बंदा अगर 150 रुपये में दिन गुजारना चाहे तो वो रह सकता है या नहीं, तो जो है वो पता ही होगा कि 150 रुपीज़ जो है वो आजकल सिर्फ बच्चे अपने स्कूल लेकर जाते हैं, तो आजकल जो है वो 150 रुपीज़ बच्चों के लिए कुछ नहीं है, तो फिर भी हमारे लिए क्या होगा। फिर भी आज हम ट्राई करेंगे कि 150 रुपीज़ में हम दिन गुजार सकते हैं या नहीं। अभी जो है वो सुबह का टाइम है और 12 बज चुके हैं, ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो ऐसा तो 12 बजे से पहले ब्रेकफास्ट होता है लेकिन हम 12 बजे का आ रहे हैं क्योंकि अभी हमारी छुट्टियां चल रही हैं, तो इसलिए। तो फिलहाल अभी जो है वो ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो ब्रेकफास्ट में अभी जो है वो देखते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। तो अभी जी ब्रेकफास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो मैंने सोचा है कि अभी जो है वो जाते हैं और लेकर आते हैं जी आलू वाला नान। वैसे तो आलू वाला पराठा भी होता है इस टाइम, लेकिन वो नहीं ला सकते क्योंकि वो हमारे बजट से अप हो जाएगा। वो तकरीबन अगर मैं कोई यहाँ पर जो है वो होटल वगैरह से लूँगा तो 70-80 रुपीज़ का खाली ना ये जो है वो पराठा देते हैं। तो फिलहाल अभी मैंने सोचा कि तंदूर फिर जाते और वहाँ पर देखते कि अभी फिलहाल मैंने काफ़ी अर्सा हो गया आलू वाले नान नहीं खाए, तो चलते हैं और देखते हैं कि क्या रेट चल। अस्सलाम वालेकुम, आलू वाला नान कितने का है? 40। तो अभी फिलहाल आलू वाला नान जो है वो मैं ले आया हूँ, तो ये है, तो हमें पड़ा है जी 40 रुपीज़ का और 150 से अगर 40 माइनस करें तो पीछे अब हमारे पास रह गए हैं जी 110 रुपये। तो हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो काफ़ी अच्छा जो है वो मिल गया, तो अभी फिलहाल जल्दी से खाते हैं बिकॉज काफ़ी देर हो गया। तो अभी ये ज़्यादा नान की तरह तो नहीं लग रही है, तंदूरी पराठे की तरह लग रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर इसे नान बोलते हैं तो इसलिए नान ही इसे कहेंगे कि खाते हैं। तो इसके साथ जो है वो मैंने ले लिया है जी घर का अचार बिकॉज इट गोज रियली वेल विद द अचार, तो भी इसके अंदर आप देख सकते हैं सारी स्टफिंग हुई हुई है आलू की, हरी मिर्च है, मसाले कम है लेकिन ब्रेकफास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, प्याज है, ये सूखा धनिया है, मसाले काफ़ी कम है लेकिन बहुत अच्छा है क्योंकि ब्रेकफास्ट में मसाले नहीं खाने चाहिए। तो हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो काफ़ी अच्छा हो गया, अभी देखते हैं कि हमें जो है वो डिनर में हम क्या करते हैं। तो वैसे
अभी भी मैं कह सकता हूँ कि इस महंगाई के दौर में भी जो है वो काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको मिल सकती हैं मार्केट के लिए। तो भी खाते हैं और फिर आपको मिलते हैं आप लंच के टाइम। अस्सलाम वालेकुम, एक समोसा और एक नान दे दें। समोसा कितने का? और एक नान दे दें। अभी जी बहुत जी लंच टाइम 5 बजे, तो फिलहाल काफ़ी लेट मैंने जो है वो ब्रेकफास्ट किया था, इसलिए लंच भी जो है वो लेट हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल लंच में जो है जी वो है मैं अभी लेकर आया हूँ अल करम से समोसा प्लस नान। तो ये मुझे मिला है जी 30 रुपये का समोसा और 15 रुपये का महंगाई का आप लेवल देख रहे हैं। मैं जब से मुझे याद है 2 साल या 1.5 साल पहले तकरीबन समोसा यही मैं उनसे 10 रुपये का हो गया था, पता फिर 15 का किया, 20 का किया, 25 से अब 30 का हो गया। और महंगाई का लेवल चेक करें कहाँ पर कर रहे पास बहुत कुछ बहुत करनी है हमें इस ब्लॉग में इस चैनल में महंगाई की। तो अभी फिलहाल जस्ट खाते हैं तो बहुत ज़्यादा हो गई, तो ऐसा कोई मज़ेदार उनका समोसा लग रहा है। ये अंदर सारी स्टफिंग है ना, ज़्यादा स्पाइसी होता है और ना ही ज़्यादा है वो बिल्कुल नॉन स्पाइसी भी नहीं होता, तो यानी आप आराम से खा सकते हैं। कभी हम ये खाएंगे मेरे जो स्कूल वाले टाइम में, जैसे स्कूल में हम खाते थे ऐसे रोल कर कर फर्स्ट खाते हैं। और जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक हमारी ब्लॉगिंग रहेगी चालू। शेयर भी तारीफ कर रहा हूँ, जस्ट अभी बहुत भूख लगी है, टेस्ट करते हैं। सही वो जो ब्रेक टाइम हम खाते थे स्कूल में नान समोसा सेम वही पी रहा है उस टाइम, जब भूख भी उसी तरह लगी हुई है और नान समोसा भी है हमारे पास बिल्कुल सेम उसी तरह रहना वो पी रहा है। तो ये है चटनी और इसको बीच में करते हैं। वो हमारे पास 45 रुपीज़ का ही आया था लेकिन 5 रुपये उन्होंने दिए नहीं मेरी तरफ से ठीक है। तो फिर हाँ 50 रुपये वो हो गए इसके, तो सुबह 40 रुपये 90 रुपये अब हमारे कम्प्लीट हो गए 90 रुपये अभी तक, और पीछे रह गए हैं जी 60 रुपीज़। और अभी 60 रुपीज़ में हमें करना है जी अपना डिनर। अभी तक तो चैलेंज काफ़ी अच्छा रहा वो चल रहा है, तो देखते हैं डिनर में क्या कहते हैं। अभी तो फिलहाल 5 हो रहे हैं तो डिनर में देखते हैं कुछ लाइट सा ही खाएंगे। फिलहाल अभी मैं इंजॉय करता हूँ क्योंकि खाने के बीच में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, फिलहाल अभी मैं बस जस्ट इंजॉय करता हूँ फिर आपसे मिलते हैं। हो गया है जी डिनर टाइम, तो अभी तकरीबन जो है 9 बज गए। तो मैंने थोड़ा लेट ही बनाया बिकॉज हमने लेट ही जो है वो खाया था इस वजह से। तो अभी फिलहाल मैंने बनाए हैं जी नूडल्स कनौर के जो मिलते हैं वो, तो वो अब मिलते हैं जी 50 रुपीज़ के। तो हमारा चैलेंज जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अभी 10 रुपये भी बचते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ उनका क्या किया। तो फिलहाल अभी ये खाते हैं, और वैसे अगर देखा जाए तो 150 रुपीज़ में एक बंदा जो है वो सर्वाइव कर सकता है। अभी कनौर के नूडल्स ऐसे उस तरह अब रहे नहीं है जिस तरह पहले होते थे, चटपटा होते थे वो, तो बहुत ज़्यादा मज़े के होते थे लेकिन अब वो इंतहाई बेकार से लगते हैं। तो ये उससे फिर भी बेटर है, तो ये अब खाते हैं। तो ये किस किस को जो है वो पहले जब यानी 3-4 क्लास में जो है वो घर से नूडल्स बनवा के लेके जाने का शौक होता था, यानी मॉम वगैरह जो है वो सब नूडल्स बना के देती थी ज़्यादातर। कमेंट
इग्नोर के ये वाले नूडल्स पसंद है वो जल्दी से लाइक करें, वो लोग ये खाते हैं ट्राई करते हैं बहुत सी बातें हैं। है तो मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन पहले जो है वो एक नूडल्स में लाइक ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती थी, अब तो उन्होंने छोटू छोटू से नूडल्स हैं वो बनाना शुरू कर दिए। क्या कह सकते हैं, इनका सिर्फ टेस्ट नहीं बदला, ये जितने शुरू से जैसे थे वैसे ही हैं, लेकिन जो चटपटा थे वो तो अब काफ़ी उसका टेस्ट चेंज हो गया, वो तो बहुत लोकल से लगते हैं। के वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओहो वीडियो इतनी जल्दी तो नहीं ख़त्म हो सकती, ऑलवेज जो है वो डिज़र्ट हमारे पास होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ हमारा डिज़र्ट क्या है। प्यारा बोर बंदा क्या कर सकता है, अभी हमारी बजट ही इतना है कि हम जो है वो ज़्यादा महंगा कुछ भी नहीं ले सकते। वो अभी हम खाने वाले हैं जी बिस्पी मिनी वॉफर रोल्स, 10 रुपये वाले हैं, तो अभी मैं आपको सब बताता हूँ। सुबह हमने खाया 40 रुपीज़ का वो नान, 40 फिर 50 रुपीज़ का हमने खाया वो नान समोसा, 90 रुपीज़ हो गए, फिर 10 रुपये का भी ये आ गया 100 पूरे और 50 रुपीज़ भी हो गए, तो हमारा 150 का चैलेंज है वो कम्प्लीट हो गया। छोटू छोटू से जो है वो वॉफर रोल्स हैं खाते हैं अभी डिज़र्ट के लिए। आज की वीडियो यहीं पर, आज का चैलेंज है वो ख़त्म करते हैं, तो काफ़ी अच्छा जो है वो हमारा फेस सॉर्टेड रहा है, यानी पेट भी भर गया और काफ़ी अच्छा जो है वो दिन गुजर गए। तो अभी इस महंगाई के दौर में भी 150 रुपये में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो हमारे शहर में नहीं पॉसिबल, वो वहाँ पर आपको लाहौर इस्लामाबाद जहाँ पर यानी जो पुराने ज़माने के एरियाज हैं वहाँ पर मिलेंगे। हैं जब मैं भी जल्द इंशाल्लाह आपको ट्राई करवाता रहूँगा अपने शहर अमरेली का सस्ता स्ट्रीट फूड मज़ेदार सब। तो अगर आपको ये चैलेंज पसंद आया हो तो हिट लाइक, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग 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 थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑलवेज रिमेंबर लाइफ इज अ जर्नी फ्रॉम अल्लाह टू अल्लाह एंड यू आर यू ग्रेट्स योर अल्लाह। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।